hi hello everyone this is chakit from VAC global education in this video we are going to discuss about the five key points on which your visa chances depends and how you can take care of these be it for australia new zealand uk canada us no matter which country you are planning to go for if you will take care of these five points then i'm sure that you are going to get the visa so let's begin with today's video and let me tell you let me start with there are two type of students one who are only focused for the visa and the second one who are focused on getting a good university and a college and a program now both these points getting the visa and getting the good university and a course they are in conjunction to each other without one you cannot get the other so with these five points which are going which i am going to discuss in this video they are going to be the defining points which you need to take care if you are planning to study abroad so watch this video till the end so that you get the complete information so first thing first in order to get the visa you need to get the admission so that is your first very very first step and to get the admission in the right college where you are eligible that is the job of the counselor through which you are applying your visa with so your counselor need to understand your profile they need to understand your percentage in your 10th 12th if you are going for यू जी प्रोग्राम इफ़ यू हैव मैथ्स और नॉट दैट इज़ अनदर मैंडेटरी थिंग बिकॉज वॉट हैपन्स इज इफ यू डू नॉट डू द प्रोफाइलिंग राइट देन वॉट हैपन्स इज दैट यू डू नॉट गेट द राइट प्रोग्राम इन विच यू हैव दाइएस्ट चांसेज ऑफ गेटिंग द एडमिशन एंड द वीजा सो दिस इज वन थिंग वॉट यू नीड टू मेक श्योर कि आपके काउंसलर को ये पता होना चाहिए कि आपकी एग्जैक्ट प्रोफाइल क्या है और उसके बेसिस पर ही वो आपको कोर्स और कॉलेज रिकमेंड करें अगर ये नहीं होगा तो आपके ट्रैवल बढ़ेंगे और आपके वीज़ा डिक्लाइन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे ख़ासकर जो पीजी स्टूडेंट हैं मींस जिन्होंने ऑलरेडी ग्रेजुएशन इंडिया में किया हुआ है उनका गैप है गैप का मतलब है एकेडमिक गैप कि आपने सपोज आपकी ग्रेजुएशन है जो कि 2018 में की थी और अभी पाँच साल हो गए हैं सो काउंसलर को ये पता होना चाहिए कि आपको कौन से कॉलेजेस जो हैं वो एडमिशन देंगे अगर ये चीज़ वो नहीं समझेंगे स्टार्टिंग से सो देर आर वेरी हाई चांसेस दैट यू विल एंड अप वेस्टिंग लॉट ऑफ योर टाइम गेटिंग दी नॉट गेटिंग द राइट कॉलेज एंड द प्रोग्राम बिकॉज इफ आई टॉक अबाउट पर्टिकुलरली फॉर कैनाडा वहाँ पर क्या होता है कि आपकी जो सीट्स हैं वो बहुत जल्दी फिल हो जाती हैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की सीट्स बहुत जल्दी फिल होती हैं और प्रोग्राम एक एक साल पहले खुल जाते हैं जैसे ऑलरेडी सितंबर के एडमिशन होने स्टार्ट हो गए हैं सो so, अगर आप टाइमली एप्लीकेशन नहीं करोगे आप एक सही कोर्स नहीं चूज़ करोगे सही कॉलेज और यूनिवर्सिटी के साथ तो आपके वीज़ा के डिक्लाइन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे सो so, यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ तो मेक श्योर sure कि आपके जो काउंसलर हैं जिनके थ्रू भी आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो जिनके थ्रू भी आप एडमिशन अप्लाई कर रहे हो उनको आपकी प्रोफाइल समझ आनी चाहिए एंड गाइज़ ये जो स्टडी अब्रॉड काउंसलर्स हैं यही इनके बिना प्रोसेस कर पाना मैं ये नहीं कहूँगा कि इम्पॉसिबल है बट सिंस दे आर डूइंग दिस फॉर एवरी डे बेसिस तो ये करना उनके लिए काफ़ी हद तक आसान है और ये पॉसिबल है कि वो आपको ईजीली वीज़ा लेकर दे सकते हैं नाउ लेट्स स्टार्ट विथ दी फाइव पॉइंट विच आई वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट अर्लियर वॉट आर दो फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि आपकी परसेंटेज परसेंटेज मिनिमम जो स्टडी अब्रॉड के लिए एक आइडियल परसेंटेज मानी जाती है वो है स्टार्टिंग फ्राम सिक्सटी परसेंट ऐसा नहीं है कि सिक्सटी के नीचे अगर आपकी परसेंटेज है तो आपको वीज़ा नहीं मिल सकता है जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कॉनस्टोगा कॉलेज की वो 40 45 परसेंट पर भी एडमिशन देता है बट वहाँ पर क्या है कि अगर आपकी प्रोफाइलिंग सही से नहीं हुई है और जो आगे के पॉइंट्स में डिस्कस करने वाला हूँ उनको टेक केयर नहीं किया गया तो वीज़ा डिक्लाइन के चांसेस बढ़ जाते हैं एल्गोमा यूनिवर्सिटी है जो लो परसेंटेज पर भी दे देता है आपको ऑफर लेटर बट आपको मेक श्योर sure करना है कि आपकी जो पूरी प्रोफाइलिंग है वो इस तरीके से हुई हुई है कि आपका जो एडमिशन है प्लस जो वीज़ा है वो आसानी से आ जाए तो आपको सबसे पहले मेक श्योर sure करना है कि आपकी परसेंटेज जो है उसके हिसाब से आप कॉलेज चूज करो आइडियल परसेंटेज सिक्सटी परसेंट सो अगर 60 परसेंट आपकी है तो यू कैन पुट अ टिक इन योर एकेडमिक्स कि आपको 60 परसेंट से ऊपर काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे जैसे कि आपको हम्बर भी मिल जाएगा हम्बर कॉम्पिटेटिव है बट एटलीस्ट आप एप्लीकेशन कर सकते हो अगर एक नॉन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर नॉन कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम में अगर आप अप्लाई करते हो तो आपके एडमिशन के चांसेस हैं अदरवाइज हम्बर जो है वो सेवेंटी सेवेंटी फाइव परसेंट से ऊपर के बच्चों को पहले ऑफ़र लेटर देता है उनको प्रायरिटी देता है सेम गोज वॉर जी बी सी सैनिका सो ये बहुत बहुत सारे इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं अगर आप यहाँ से बढ़ोगे आपके वीज़ा के भी चांसेस यहाँ से बढ़ जाएंगे ना नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट योर आइल्स रिक्वायरमेंट आयल्स के बिना किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना बहुत मुश्किल होता है किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना बहुत मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया में 6.5 पॉइंट फाइव नॉट बैट डेस दैन सिक्स के बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते फॉर मास्टर्स प्रोग्राम सेम गोज़ फॉर न्यूजीलैंड सेम गोज़ फॉर कैनेडा यूके में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सिक्स बैंड ईच पर आपको मास्टर्स प्रोग्राम ऑफर कर देती हैं एंड सेम गोज़ फॉर यू बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट प्रेफर कि वो कैनाडा जाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं तो उनके लिए ये मैंडेटरी है कि उनके सिक्स पॉइंट फाइव होने चाहिए एंड सेम इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर कैनाडा ऑल्सो नाइन्टी परसेंट ऑफ द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी प्रेफर कि आपके सिक्स पॉइंट फाइव नॉट बैंडलेस दैन सिक्स होने चाहिए फॉर पी जी प्रोग्राम एंड ओवरऑल सिक्स नॉट लेस दैन सिक्स फॉर यू जी प्रोग्राम तो आइल्स एक ऐसी चीज़ है जिसपे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है आपको स्टार्टिंग से उसकी तैयारी करके चलनी है ये एक ऐसा पहला पड़ाव है जो आपकी परसेंटेज अगर लो भी है बट आइल्स का स्कोर ज़्यादा है तो आपके वीज़ा आने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं तो इस पे आपको मेक श्योर करना है कि आप आइल्स में 6.5 पॉइंट फाइव नॉट लेस देन सिक्स फॉर पी जी एंड सिक्स बैंड ओवरऑल नॉट लेस देन सिक्स फॉर यू जी अब ये ऑस्ट्रेलिया में 5.5 है तो भी चलेगा न्यूजीलैंड में 5.5 है तो भी चलेगा ओवरऑल सिक्स नॉट बैंड लेस देन 5.5 आई एम टॉकिंग अबाउट सेम गोज फॉर यू के एंड यू एस सो यहाँ पर आपको बहुत मेकश्योर sure करना है एस डी एस की जो रिक्वायरमेंट है उसके तहत अगर आपके ओवरऑल सिक्स हैं और एक भी किसी मॉड्यूल में या दो में मॉड्यूल में फाइव पॉइंट फाइव है तो भी आप अपने कैनेडा का वीज़ा एस डी एस के अंदर लगा सकते हो थर्ड पॉइंट इन द लिस्ट है कि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज चूज करना है अभी ऑस्ट्रेलिया के केस में अगर मैं बात करूँ वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ को लेवल्स में बांटा गया लेवल वन यूनिवर्सिटी लेवल टू थ्री फोर सो आप कोशिश करिए कि आप लेवल वन में अप्लाई करिए इन केस ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया सेम गोज़ फॉर न्यूज़ीलैंड कि अगर आप न्यूजीलैंड अप्लाई कर रहे हो तो आप कैटगरी वन कॉलेज में अप्लाई करिए जैसे आठ यूनिवर्सिटीज़ हैं न्यूजीलैंड में जो सारी कैटगरी वन में आती हैं जिसमें कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड मेस यूनिवर्सिटी ए यू टी वाइकाटो लिंकन कैंटबरी ओटागो एंड विक्टोरिया ऑल दीज यूनिवर्सिटीज़ आर कैटगरी वन तो आप कैटगरी वन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे आपके वीज़ा के चांसेज बढ़ जाएंगे फिर आते हैं हम आ, यूके की तरफ यूके में रसल ग्रुप है आप रसल ग्रुप में अप्लाई करिए उसके अलावा बहुत सारी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें अप्लाई कर सकते हो कनाडा की मैं बात करूं आप हम्बर्ड जॉर्ज ब्राउन सैनिका फैनशॉ सेंटेनियल इन कॉलेज़ में अप्लाई करिए जॉजन में अप्लाई करिए अगर मैं वैनकूवर की तरफ जाता हूँ वैनकूवर कम्युनिटी कॉलेज है आपका बी है थॉमसन रिवर यूनिवर्सिटी है ये सारी कैटेगरी वन है इनके अलावा मैं बहुत सारे नाम मिस आउट भी कर रहा हूँ बट दीज आर द नेम्स विच आर कमिंग ऑन टॉप ऑफ माई माइंड so choose a university which will give you the quality of education so that visa officer also understand that this guy is serious about studying and the purpose of him going abroad is to study not to settle down there and that is the reason why most of the student fails to justify and get the refusal now let's uh, come down to another very very important point which is your funds so funding a major इशू uh, है चैलेंज है और जिसमें सबसे ज़्यादा प्लानिंग लगती है तो फंडिंग का आप अच्छे से ध्यान रखिए फंडिंग में क्या है कि आपको मेक श्योर sure करना है कि आपके पास इनफ फंड्स हैं फ्रॉम द इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो ये देखना चाहते हैं कि क्या आपके पास सफिशेंट फंड्स हैं अपनी एजुकेशन को पूरा करने के लिए और वहाँ पर रहने के लिए आपको पार्ट टाइम जॉब अलाउड है बट उसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास लिविंग एक्सपेंसिस के पैसे नहीं होने चाहिए अगर मैं बात करता हूँ ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलिया में आपको थर्टी फाइव से लेके कर फोर्टी लाख रुपीज शो करना होता है आपके वीज़ा के लिए उसके साथ साथ आपके जो पेरेंट्स की इनकम है वो मिनिमम ट्वेल्व लाख से अबव होनी चाहिए ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपके पेरेंट्स की आई टी आर ट्वेल्व लैक्स एंड अबव होनी चाहिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टेन लैक्स में भी ले, ले लेती हैं बट ट्वेल्व लैक्स इज़ अ वेरी सेफ अमाउंट विच यू नीड टू हैव तो ऑस्ट्रेलिया के केस में 12 लाख जो फंड्स होने चाहिए वो थ्री मंथ्स ओल्ड होने चाहिए मिनिमम विद योर जस्टिफिकेशन की ये फंड्स आपने आए कहां से या फिर आप एजुकेशन लोन लो सो दिस इज फॉर ऑस्ट्रेलिया यूके में आपके पास फीस प्लस लिविंग एक्सपेंसेस के जो पैसे हैं दैट नीड्स टू बी एटलीस्ट ट्वेंटी एट डेज ओल्ड आपका सोर्स ऑफ फंड्स क्या है दैट डजेंट मैटर बट आपके पास 28 डेज ओल्ड फंड होने चाहिए फॉर योर फीस एंड लिविंग एक्सपेंसेस कनाडा के केस में अगर आप एक साल के कोर्स में जा रहे हो तो आपकी फ़ीस अपफ्रंट पे हो जाएगी और आपका जीआईसी पे हो जाएगा सो जी आई क्या है वो एक अलग टॉपिक है जीआईसी आई सी इज़ द मनी फॉर योर लिविंग एक्सपेंसेस विच यू नीड टू ट्रांसफर एंड देन यू गेट दैट टेन थाउजेंड डॉलर इन ट्वेल्व मंथली इंस्टॉलमेंट फॉर योर लिविंग एक्सपेंसिस अगर मैं बात करूँ न्यूजीलैंड के लिए न्यूजीलैंड में जो फंडस हैं वो एटलीस्ट थ्री मंथ्स ओल्ड होने चाहिए आपके पेरेंट्स के पास आई होनी चाहिए और आपको ये मेक श्योर sure करना है कि आपके पास जस्टिफिकेशन हो कि आपको ये फंड्स कहाँ से आए हैं ऑल्सो आपके पास अगर फंड्स खुद के नहीं है देन यू कैन टेक एन एजुकेशन लोन तो फंडिंग प्ले एन वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट रोल फॉर ईच कंट्री सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपके पास इनफ फंड्स हैं और जस्टिफिकेशन है कि वो फंड्स कहाँ से आए तभी आपको वीज़ा मिलेगा नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू द लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ योर एस ओ पी किसी भी कंट्री में आप वीज़ा अप्लाई करोगे आपको एस ओ पी की जरूरत होगी एस ओ पी क्या है स्टेटमेंट ऑफ पर्पज जिसमें आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करते हो आप अपनी एजुकेशन बताते हो आप अपना वर्क एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करते हो वाई यू हैव चोजन दिस कोर्स वाई यू हैव चोजन दिस कॉलेज और यूनिवर्सिटी वॉट आर योर फ्यूचर प्लान नीड टू गिव अ कम्पेरिजन बिटवीन डिफरेंट जॉब्स विच यू कैन गेट वंस यूल कंप्लीट दिस कोर्स एंड देन एट लास्ट यूनिट टू कंक्लूडेड बाई गिविंग अश्योरेंस टू द वीजा ऑफिसर दट वंस विल कंप्लीट दिस कोर्स यू विल कम बैक टू इंडिया एंड स्टार्ट योर करियर हेयर दिस इज़ हाउ द एस ओ पी नीड्स टू बी फ्रेम्ड इस पूरी एस ओ पी में आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप वापस क्यों आओगे और अगर आप कौन से स्किल्स हैं जो आपको इस कोर्स से मिलेंगे कौन से ये कौन सा एक्सपोजर है जो आपको ये कंट्री देगा और ये सब अगर आप करोगे तो आपके वीज़ा डिक्लाइन नहीं होगा एंड यू विल बी एबल टू गेट योर वीज़ा इजिली सो दीज वर द फाइव पॉइंट्स विच आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि आपके वो दिमाग में जाएं कि अगर आप कोई भी कंट्री प्लान कर रहे हो बीट कैनेडा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड यूके यू एस तो आप इन पाँचों कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी प्रोफाइल को इस तरीके से बिल्डअप करो कि आपको ईजिली वीज़ा मिल जाए आई एम श्योर कि आपके मन में बहुत सारे एप्रीहेंशंस होंगे कि क्या मैं ये वीजा ले पाऊंगा क्या मुझे एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा तो उसके लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है दर इज अ लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन थ्रू विच यू इस कैन कनेक्ट विद अस वी कैन मेक श्योर दैट वी अंडरस्टैंड योर प्रोफाइल एंड गिव यू द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन एज पर योर प्रोफाइल कि आप किस तरीके से सिस्टमैटिक प्लान करोगे जो कि आप कमिंग इंटेक्स में जा पाओगे अपने स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू इफ यू हैव एनी क्वेश्चन राइट इट in the comment section and if you want us to help you with your study abroad journey then all you need to do is there's a link given in the description click that link get in touch with us and we will make sure that we leave no stone undone to make sure that you reach canada in the coming index thank you for watching this video we shall see you in the next one till then you guys take care of yourself bye bye